तो हाय रिचा, वेलकम टू माय ड्यूटी टॉक्स। कैसे हैं आप आज? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सो रिचा इज़ अ डाइटिशियन, रिचा इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर नाउ। तो रिचा कम्स फ्रॉम राजस्थान बट शी इज़ लिविंग इन गुड़गांव। शी हैज़ अ क्लाइंट बेस ऑफ समवेयर अराउंड 20,000-30,000 पीपल नाउ। एंड रिचा, सो हम आपसे आज इस बारे में बात करेंगे कि वेट लॉस को लेकर ना बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे हैं। वेट लॉस के अंदर लोग बोलते हैं कि जब आपने वेट लॉस किया तो आपकी स्किन ढलक गई, आपका हेयर फॉल हो गया, आप बूढ़े दिखने लग गए। सो क्या टेक है आपकी कि वेट लॉस क्या है एंड वेट लॉस करने का राइट तरीका क्या है? सी, अगर मैं बोलूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो ये भी गलत है। ये सब चीज़ें होती हैं लेकिन तब होती हैं जब आप एक क्रैश डाइट फॉलो करते हो, आप बहुत ज़्यादा भूखे रह के। आज हमने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा वाटर फास्टिंग का, कि लोग सिर्फ पानी पीते रहते हैं 2 दिन। सो वो 2 से 3 किलो एक दिन में कम कर लें। सो ये चीज़ें तब होती हैं। लेकिन अगर आप एक सस्टेनेबल अप्रोच यूज़ करते हो ना डाइट की, कि यू ईट एवरीथिंग और फिर आप वेट लॉस कर रहे हो, तो ना तो आपका हेयर फॉल होता है, ना आपकी स्किन लूज़ होती है। प्लस जो वेट आप लूज़ करते हो दैट इज़ परमानेंट, वो कभी भी आप वापस रीगेन नहीं करते, बिकॉज ऑब्वियसली आपने कोई चीज़ छोड़ी हुई नहीं है आपकी डाइट में। ओके, सो परमानेंट। ओके, तो परमानेंट वेट लॉस क्या है? लाइक हम कहते हैं कि इसका परमानेंट हुआ, इसका टेम्प्रेरी हुआ। उसको हम अगर हम बाइफ्रिकेट करें कि परमानेंट वेट लॉस क्या है, उसके अंदर मसल मास लूज़ होता है। बिकॉज जो मेरे को समझ आता है, मेरे हिसाब से परमानेंट वेट लॉस इज़ हैविंग अ प्रोटीन डाइट। आपकी डाइट प्रोटीन रिच हो, आपके उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो, आपकी जो खाना है जो आप खा रहे हो दैट इज़ नॉट ओवर कुकड, एंड उससे जो आपका वेट लॉस होता है जिसके अंदर आपका मसल लॉस नहीं होता बट आपका फैट लॉस होता है, दैट इज़ सस्टेनेबल। सो हैविंग अ हाई प्रोटीन डाइट, अगर आप अपनी डाइट में कुछ भी छोड़ नहीं रहे हो। लाइक आप लोगों को सुनते हो कि बोलते हो कि मैंने तो वाइट राइस छोड़ रखे हैं, मैंने रोटी छोड़ रखी है, मैंने घी तेल छोड़ रखा है वेट लूज़ के लिए, तो वो परमानेंट वेट लूज़ का तरीका नहीं है। परमानेंट वेट लूज़ का तरीका ये है कि जब हम सब खा रहे हैं, हमारी डाइट में राइस भी इंक्लूडेड है, रोटी भी है, सब्जियां भी हैं, प्रोटीन भी है, सब कुछ है, और वो सब खा के अगर हम वेट लूज़ कर रहे हैं ना, सो दैट इज़ कॉल्ड परमानेंट वेट लॉस। ओके, क्योंकि आप एक नॉर्मल डाइट पे वापस जाओगे ही ना। यू कैन नॉट बी ऑन अ डाइट 6 महीने तक रह सकते हो, 1 साल तक रह सकते हो, हमेशा नहीं रह सकते हो। सो दैट वे यू डोंट रीगेन द वेट। ओके, आई गॉट इट। तो लाइक बहुत सारे लोग हैं, एक तो हो गया नॉर्मल वेट लॉस, फिर एक हो गया थायराइड के जो लोग हैं। अब थायराइड है, थायराइड 2 तरीके का, हाइपर। तो अब अगर हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड वालों को वेट लॉस करना है, उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। बिकॉज मेरे हिसाब से थायराइड इज ऑटो इम्यूनिटी, राइट? ऑटो इम्यूनिटी आपका मेटाबॉलिज्म ड्राइव करती है। अगर आप ऑटो इम्यूनिटी को जड़ से ख़त्म करोगे तभी यू कैन ट्रीट थायराइड के पेशेंट। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस कि कैसे एक थायराइड के पेशेंट का वेट लॉस कराया जाए? सी, थायराइड में वेट लॉस स्लो हो जाता है बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीज़न आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, आपकी बॉडी उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है, आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लाइक हेयर फॉल होता है, आपकी स्किन ड्राई रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है। लेकिन एक सही डाइट लेने से आप अपनी थायराइड को कंट्रोल डेफिनेटली कर सकते हो। लाइक उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको कुछ चीज़ें लाइक क्रूसिफरस वेजिटेबल्स होती हैं, जो कि होती है पत्ता गोभी, ब्रोकली, मशरूम्स, वो आपको रॉ फॉर्म में नहीं लेना है, लेकिन आप उसको पका के खा सकते हो। तो बहुत सारे मिथ्स हैं थायराइड को लेके भी, कि अगर आपको थायराइड है तो आप ये नहीं खा सकते, आपको क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, सोय प्रोडक्ट्स नहीं खाने, आपको खाने हैं, लेकिन आपको उनको अच्छे से पकाना है। आपको सोय भी लेना है तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। ओके, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली मैनेजेबल। ओके, तो लाइक हमने ये कंपनी स्टार्ट कैसे हुई थी, आई विल टेल यू। तो मेरे मॉम है, मेरे मॉम को थायराइड था, स्टिल है बट रिमिशन के अंदर है। ओके, तो मेरे जो सिस्टर हैं पलक, उन्होंने कहा कि मॉम को थायराइड है, थायराइड के साथ कितना कुछ हो जाता है। थायराइड के साथ यू कैन ऑल्सो, थायराइड कैन जनरेट एंग्जाइटी। थायराइड से ड्राइनेस भी होती है, हेयर फॉल भी होता है, हॉट फ्लशेस भी होते हैं, स्किन हाइव्स भी होती हैं। मॉम को ये सब कुछ, तो हमने सारे डॉक्टर ट्राई कर लिए। ओके, थायराइड नहीं रिवर्स हुआ, रिवर्स होता ही नहीं है, रिमिशन में नहीं गया। तो हमने उसके बाद वी स्टार्टेड सीइंग, माय सिस्टर स्टार्टेड सीइंग, बेसिकली शी स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट, ये थायराइड क्या है। तो उनको पता चला कि थायराइड इज ऑटो इम्यूनिटी। जिनको थायराइड है उनमें से 90% लोगों को ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून होता है, ठीक है। तो देन मेरे सिस्टर ने क्या किया, मॉम के डाइट के अंदर चेंजेस किए, सब कुछ किया. Then we have a supplement which is called triple thyroid care. Okay. It has ashwagandha, it has iodine, okay. it has selenium. Very good. तो उसके अंदर ये सब चीज़ें, ये हमने उस टाइम पे हम सप्लीमेंट्स खुद के नहीं थे हमारे, तो हमने ये सब चीज़ें सोर्स की. सोर्स करके मॉम को दिया एंड हमने देखने लगा कि मॉम की जो स्किन ब्लैकनिंग है वो भी ठीक होने लग गई. तो बेसिकली ऑटो इम्यूनिटी को ठीक करने से मॉम का जो थायराइड है वो रिमिशन के अंदर चला गया. सो डू यू थिंक कि सप्लीमेंट्स एक रोल प्ले कर सकते हैं थायराइड को रिमिशन में डालने के लिए इफ़ टेकन विद द राइट डाइट? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज सी आज के टाइम पे जो फूड आइटम्स हमें अवेलेबल होते हैं दे आर नॉट सो प्योर. जो आज से मैं बोलूँ 20 साल पहले होता था, प्योरिटी होती थी हर चीज़ में, वो आज नहीं है. सो सप्लीमेंट्स डू प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन योर डाइट. अगर वो आप सही डाइट के साथ ले रहे हो सो इट कैन बेनिफिट यू इन मैनी वेज. जैसे कि आप उससे अपना थायराइड बैलेंस आउट कर सकते हो. थायराइड कैन नॉट बी रिवर्स्ड बट इट कैन बी बैलेंस्ड आउट, इट कैन बी मैनेज्ड विद राइट डाइट एंड राइट सप्लीमेंट्स. लाइक आई मैंशन सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट होता है आपके थायराइड मैनेजमेंट में. जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको थायराइड है उसको मैनेज करने में. सो यू नीड सप्लीमेंट्स अलॉन्ग विद द राइट डाइट टू बैलेंस योर हॉर्मोन्स. ओके, सो रिचा आपने खुद 45 kgs लूज़ किया है, तो बाय द वे मैंने भी, आई वॉज 105, 105 किलो का था. अब आई एम 75-76. मैंने ना वेट लॉस के अंदर बहुत सारी गलतियाँ की थी पहले, बिकॉज उस टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, नॉलेज वाज लिमिटेड. तो मैंने क्या किया, मैंने खाना छोड़ दिया, हम मैंने वाटर डाइट पे चले जाना. तो हुआ क्या कि मेरी एनर्जी लेवल्स बहुत ही गिर गए एंड मेरे को सारा दिन हॉट फ्लशेज, सारा दिन एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें जनरेट होने लग गई. उसके बाद लाइक हमारे एक मेंटोर थे, तो ही टोल्ड मी कि तूने गलत तरीके से वेट लॉस किया है. सो जो आपने वेट लॉस किया है 45 kgs सही तरीके से, आपको कोई 3 टिप्स देनी हो ऑडियंस को कि क्या करें 40 से 45 किलो कम करने में 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर इन अ हेल्दी वे, तो आप क्या टिप देंगे? सबसे पहले तो मैं एक ये टिप दूंगी कि कभी भी जल्दीबाजी में मत रहो कि मेरे को 2 महीने में 10 किलो कम करना है, मेरे को 2 महीने में 15 किलो कम करना है. अगर आप ये कर सोच के वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करो यू विल इवेंचुअली डू शॉर्टकट्स. ठीक है, तो आप क्रैश डाइट की तरफ ज़्यादा जाओगे. लाइक यू मेंशन कि आपने फास्टिंग में वाटर फास्टिंग डाइट करी, आपने खाना छोड़ दिया, सो दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल. आई वुड ऑलवेज से टेक अ सस्टेनेबल वे. हर चीज़ को लिमिट में खाओ, कुछ भी चीज़ को छोड़ो मत, फिर वो भले आपका राइस है, वीट है, शुगर है या कुछ भी है. एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ गुड. अगर आप सैलड सूप्स की भी अति कर दोगे तो वो भी ख़राब है, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड अगेन. एंड नंबर 2 मैं यही बोलूँगी कि स्टे एक्टिव. अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के कोई भी एक्टिविटी, वेदर इट इज़ वॉक, एक्सरसाइज, योगा, एरोबिक्स, स्विमिंग, कोई भी, टेक 40 to 45 minutes डेली का, ताकि आप कुछ एक्टिविटी कर सको. एंड नंबर 3, डोंट जस्ट रिलाई ऑन स्केल. स्केल पे अगर आप रिलाई करोगे यू विल नेवर बी हैप्पी और आप हमेशा डीमोटिवेट ही होते रहोगे, बिकॉज इवन अ ग्लास ऑफ वाटर कैन मेक यू पुट ऑन 1 or 2 kgs ओके इन जस्ट 1 hour. सो डिच दी स्केल, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर क्लोथ्स. कैसे कपड़े आपको फिट आ रहे हैं, जो 1 महीने पहले आ रहे थे उससे क्या बेटर फिट आ रहे हैं? सो यू आर मेकिंग अ प्रोग्रेस. एंड नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी बडी एल्स कि सामने वाले बंदे ने तो यार डाइट अभी स्टार्ट करी थी, उसका तो 1 किलो कम भी हो गया, मेरा तो 500 ग्राम भी कम नहीं हो. सो नेवर डू दैट. ओके, एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग, बहुत सारे मिथ्स हैं, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. मैंने की है इंटरमिटेंट फास्टिंग. मैं आपको अपने इशूज़ बताता हूँ. मेरे को इंटरमिटेंट फास्टिंग जब मैंने शुरू की, ऑब्वियसली मैंने रात को 10 बजे खाना, फिर अगले दिन जाके समवेयर अराउंड 1-2 बजे खाना. वो 2 बजे जब मैंने खाना, साथ ही मेरी बॉडी क्रैश डाउन हो जाती है, मेरे को नींद आने लगती है, ब्लोटिंग इस लेवल की होती है कि मेरे को अगले दिन सारा दिन कुछ खाने का मन नहीं करता है, एसिडिटी प्रॉब्लम्स होती है. मेरे लिए क्या काम किया, मेरे लिए काम किया बिटेन. बिटेन से मेरी ब्लोटिंग कम हुई एंड मेरे हिसाब से एनर्जी लेवल्स बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस. करेक्ट, डेफिनेटली. जब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता था मेरे एनर्जी लेवल्स कम चले जाते थे. ओके, सो पलक माय सिस्टर, शी टोल्ड मी कि B12 ले. मैंने कहा B12 का क्या लेना देना है वेट लॉस से यार? तो कहते हैं यार तूने बड़ा पैसे देने हैं तू तो लेके देख, अपनी कंपनी है. लाइक ओके, तो मैंने B12 लिया. सो बेसिकली B12 से मेरे एनर्जी लेवल्स बढ़े, जिसकी वजह से मैं जिम जा पाया. बिटेन से मेरी ब्लोटिंग कम हुई जिसकी वजह से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को कंटिन्यू कर पाया। तो आप मुझे बताओ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक इंसान को करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, क्या राइट वेज हैं? मेरे लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग काम की है बट विद बिटेन एंड B12 काम की है, बट सब लोग बिटेन एंड B12 नहीं ले सकते हैं। तो कैसे उन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, उनको नहीं करनी चाहिए? सी, बहुत लोग बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आई विल टेल यू माई पर्सनल ओपिनियन। मेरे लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ लाइक द बेस्ट डाइटिंग मेथड। अगर आप उसको एक राइट वे में करते हो सो उसके इतने बेनिफिट्स हैं ना, अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस बहुत ज़्यादा दूसरे बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप कोई ऐसे पेशेंट हो जिसको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटिक है, आपका बीपी हाई रहता है, या आपको PCOS है, या आपको PCOD है, इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू मैनेज योर हॉर्मोन्स। आपका ब्लड शुगर लेवल भी वो मैनेजेबल रखता है, ठीक है। लेकिन देयर इज़ अ करेक्ट वे ऑफ डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप एक बिगिनर हो तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप 14-10 की विंडो से स्टार्ट करो। मीन्स यू विल फास्ट फॉर 14 आवर्स एंड यू विल ईट फॉर 10 आवर्स, करेक्ट। अगर आपको 1-2 महीना हो चुका है इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए, यू कैन जस्ट स्विच टू 16-8 मैथड वे यू फास्ट फॉर 16 आवर्स एंड ईट फॉर 8 आवर्स। सिमिलरली वंस यू बिकम अ प्रो इन इंटरमिटेंट फास्टिंग, अब आपको लगता है कि नहीं, आई एम वेरी गुड एट इंटरमिटेंट फास्टिंग, आई हैव सीन अमेजिंग बेनिफिट्स, देन आप 18:6 पे भी मूव कर सकते हो, वे यू फास्ट फॉर 18 आवर्स एंड ईट फॉर 6 आवर्स। सो अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस, आई विल से इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी स्किन में, ग्लोइंग स्किन में बहुत हेल्प करता है, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है, इट डेफिनेटली हेल्प्स यू अ लॉट इन दैट। सो आई वुड से इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ डेफिनेटली अ मस्ट डू। हाँ, अगर आप प्रेगनेंट हैं और इफ़ यू आर लैक्टेटिंग मदर, आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। ओके, आई गॉट इट। सो व्हेन इट कम्स टू इंटरमिटेंट फास्टिंग, सबके लिए अलग चीज़ें काम करती हैं। तो माय क्वेश्चन इज़ कि अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर रहे हो, उससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, आपका वेट लॉस होगा उससे, या आपका टेम्प्रेरी वेट लॉस होगा, परमानेंट वेट लॉस होगा? डेफिनेटली, अगर आप सही चीज़ें खा के करो। सी, इंटरमिटेंट फास्टिंग में बहुत लोगों को लगता है यार हम तो कर रहे हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं। सो दैट्स नॉट ट्रू। इवन इन इंटरमिटेंट फास्टिंग यू हैव टू माइंडफुल अबाउट योर पोर्शंस और क्या आपको खाना चाहिए। राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, राइट अमाउंट ऑफ फैट एंड राइट अमाउंट ऑफ फाइबर यू नीड इन इंटरमिटेंट फास्टिंग टू अचीव द परमानेंट वेट लॉस। अगर आपको टेम्पररी वेट लॉस चाहिए तो फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की कोई नीड ही नहीं है। ओके, आई गॉट इट। तो सबसे बड़ी जो लेडीज़, बिकॉज हमारी जो ऑडियंस है तो इट्स 99 to 98% विमेन, एज स्टार्टिंग फ्रॉम 35 to 60। वो लोग जब भी वेट लॉस करते हैं उनका हेयर फॉल होता है। बायोटीन एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, इफ़ यू आर कंज्यूमिंग बायोटीन और आप वेट लॉस कर रहे हो, आपका जो वेट लॉस है वो भी होता है, आपकी जो हेयर फॉल है, यस आपकी हेयर थिकनिंग खराब नहीं होती है बट आपका हेयर फॉल रिमिशन में जाता है। सो हाउ डू यू थिंक कि बायोटिन हेल्प करता है इन वेट लॉस और सॉरी इन हेयर फॉल कंट्रोल? सो जब आप वेट लॉस कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में कुछ मिनरल्स, वाइटामिनस की कमी आती है और आपका हेयर फॉल, बेसिकली बायोटिन आपकी हेयर स्ट्रेंथनिंग में काम करता है। सो खाने से बायोटीन लेना इज़ नियरली इम्पॉसिबल, बहुत कम अमाउंट में आपको मिलेगा। सो आई वुड डेफिनेटली एंड आई ऑल्सो रिकमेंड मेरे क्लाइंट्स को भी कि जब आप एक वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो सो यू मस्ट टेक बायोटीन अलॉन्ग विथ योर डाइट, ताकि आपको वो हेयर फॉल नहीं देखना पड़े। क्योंकि फिर बहुत लोगों को डीमोटिवेशन हो जाता है, यार वेट लॉस तो हो रहा है लेकिन हमारा हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि नहीं, बायोटीन इज़ डेफिनेटली वन सप्लीमेंट दैट यू शुड इंक्लूड इन योर डे टू डे रूटीन, बट द अमाउंट ऑफ बायोटीन शुड वेरी बिटवीन 5,000 mcg to 10,000 mcg पर डे का रिकमेंडेशन आई ऑलवेज से। ओके, आई गॉट इट। तो मैंने ये चीज़ देखी आज से 5 साल पहले, जब मैं खाता था 2 मील्स, 2 मील्स में मेरा जो वेट लॉस था वो नहीं हो पा रहा था। मेरे को लगता था मैं कम खा रहा हूँ, वेट लॉस होना चाहिए। इस टाइम पे टुडे आई एम टेकिंग 5 से 6 मील्स। मेरी सप्लीमेंट इनटेक के अंदर B12 है फॉर एनर्जी, बायोटिन है। ये एक मिथ है कि लड़कों को बायोटिन नहीं लेना चाहिए, ऑब्वियसली यस, के लाइक इट्स होता है कि बायोटिन तो जी लड़कियों के लिए सप्लीमेंट है। यार बाल तो लड़कों के भी होते हैं, हेयर फॉल तो उनको भी होता है, यस। तो B12, बायोटीन एंड लिवर डिटॉक्स। लिवर डिटॉक्स कुछ एक ऐसी चीज़ है जिससे मेरे पिंपल गायब हो गए। तो जो स्मॉल पोर्शंस हैं उनके साथ ये सप्लीमेंट्स मैंने लिए। अब मैं खाता हूँ 5 पोर्शन, दिन में 5 बार खाना खाता हूँ, तब मैं खाता था 2 बार। तो क्या आपको लगता है कि मैंने कुछ अलग किया या क्या राइट वे है वेट लॉस का? छोटे पोर्शंस, ज़्यादा क्वांटिटीज में खाना, ज़्यादा ड्यूरेशंस में खाना इज़ बेटर, या फिर एक टाइम पे ज़्यादा खाना खाना इज़ बेटर विद द राइट चॉइस ऑफ सप्लीमेंट्स और वाटर इनटेक और राइट रूटीन और राइट वर्कआउट। इन सबको कंबाइन करके कैसे डाइट ली जाए स्मॉल पोर्शंस के अंदर, जो वर्कआउट करता है वो कैसे ले और जो नहीं करता है वो कैसे ले, उसको थोड़ा मेरे लिए बाइफिकेट कीजिए प्लीज़। सी, जब आप एक बड़े पोर्शन में खाने बैठते हो ना, कि आपको पता है आपको दिन के 2 मील खाने, तो आप एक्सेस में खाओगे उस चीज़ को, क्योंकि आपको पता है मेरे को 1 मील ही और मिलने वाली है, ठीक है। सो दैट कैन लीड टू कैलोरी सरप्लस। आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाके कैलोरी सरप्लस में जा सकते हो, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस तो नहीं होगा, डेफिनेटली वेट गेन ही होगा, बिकॉज आप अपनी कैलोरी वहाँ पे मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप बल्क में खा रहे हो एक टाइम पे। प्लस उससे आपका डाइजेशन बहुत बिगड़ सकता है, क्योंकि एक साथ आप अपने अंदर सब कुछ डाल रहे हो। सो यू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर स्टमक कि उस चीज़ को वो डाइजेस्ट कर सके। लेकिन जब आप छोटे छोटे मील्स खाते हो, फॉर से ब्रेकफास्ट में आपने एक छोटा सा मील ले लिया, लाइक ओट्स ले लिया या बेसन का चीला खा लिया, देन मिड मॉर्निंग में आपने 1 कप ग्रीन टी के साथ एक फ्रूट पेयर अप कर लिया, या लंच में आपने छोटा सा बोल कोई सब्ज़ी दाल या थोड़ा से राइस ले लिए। सो दैट वे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी सही रहता है, उसको स्लो डाउन होने का टाइम नहीं मिलता है, प्लस आपका डाइजेशन लेवल भी बहुत अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस भी ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, फास्टर वे में हो पाता है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू टेक लिमिटेड पोर्शन एंड स्मॉल पोर्शंस, लेकिन फ्रिक्वेंसी उसकी 2 से 3 घंटे की होनी चाहिए। ओके, तो ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है व्हेन दे डू वेट लॉस, उनका मसल लॉस हो जाता है। मसल लॉस ना हो और फैट लॉस हो, इस चीज़ को कैसे मेक श्योर करेगा इंसान? प्रोटीन। सी, इंडियन डाइट में सबसे बड़ी कमी होती है प्रोटीन की। हम लोगों का खाना रिच है फाइबर में, कार्ब्स में, बट प्रोटीन की कोई बात ही नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर वेजिटेरियन, वो प्रोटीन के लिए एग्स, चिकन, फिश ले नहीं सकते। दे आर ओनली रिलायबल ऑन पनीर, दाल या फिर टोफू, बट टोफू भी मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस नहीं खाते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी बॉडी का 1 से 1.5 ग्राम तक प्रोटीन लेते हैं व्हेन यू आर डाइटिंग, आपका मसल मास लॉस नहीं होता है, आपका फैट लॉस होता है, क्योंकि प्रोटीन एक बैरियर की तरह काम करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट में एक गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन ऐड करो, वेदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ चिकन, एग्स, पनीर और कोई भी जो भी दालें होती हैं। पर जो नॉनवेज नहीं खाते वो लोग प्रोटीन कैसे पूरा करें? डू यू थिंक प्रोटीन शेक्स के बारे एक मिथ है कि डब्बा खाना तक बॉडी बनेगी, डब्बा छोड़ दोगे तो बॉडी नहीं बनेगी? दैट्स वेरी रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई एक वेजिटेरियन पर्सन है, दे कैन ऑलवेज स्विच टू टोफू, राजमा, छोला, पनीर इज़ देयर, सोय चंक्स। सोय चंक्स में चिकन के बराबर प्रोटीन होता है, सो दे कैन ऑलवेज यूज़ दीज थिंग्स। ओके, आई गॉट इट। एंड वे प्रोटीन आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली सेफ टू कंज्यूम इफ़ यू बाय फ्रॉम अ रजिस्टर्ड वेबसाइट। एग्जैक्टली, यस। सो प्रोटीन को बाइफर्केट करें, कौन सा वे प्रोटीन लेना चाहिए, प्लांट प्रोटीन लेना चाहिए, आइसोलेट लेना चाहिए, हाइड्रोलाइज लेना चाहिए? It all depends on your need. If you are a vegan, you have to go for plant protein, ठीक है। अगर आप vegan नहीं हैं, आप normal कोई भी vegetarian हैं, then you can absolutely go for whey isolate. Whey isolate is the best form of protein powder you should take. Okay. So Richa, ये होगी सब diet की बात। Now let's talk about you. क्या ऐसा अलग है जो आपने 45 kg जब lose किया उससे पहले था? Confidence से लेके mental peace से लेके किसी बारे भी हम बात कर सकते हैं। जब आपका वेट 102 था और अब आपका वेट 30 है, 30 kgs कम है, अब आपका वेट इज़ 55, सॉरी मुझे पता नहीं था, वो मुझे उनका था, पूछते नहीं लेडीज़ को। इट्स ओके। तो यस, एज नहीं पूछते। ओके, सो 102 वेट से 55 आपका वेट आया, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, आपकी मेंटल पीस में क्या चेंजेस आए? सी, आई वॉज 15 when I was 100 kgs, ठीक है। दैट टाइम मेंटल पीस तो ऑब्वियसली बहुत डिस्टर्ब था, बिकॉज मैंने सब कुछ ट्राई किया था वेट लॉस करने के लिए। आई हैड थायरॉयड, ठीक है, मेजर हाइपोथायराइडिज्म। आई वाज ऑन 150 mcg टैबलेट टेकिंग, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत चीज़ें सुनने को मिलती थी कि यार क्या है, इतनी मोटी है, कैसी दिखती है, कोई कपड़े फिट नहीं आते हैं। सो बहुत ज़्यादा बुली फेस करने को मिलती थी लोगों से कि कभी वेट लूज़ कर ही नहीं पाएगी। बट सडनली आई वुड से कि एक दिन रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई किया था। आप बोलो स्लिम शेक्स, आप बोलो फैट बर्नर्स, फैट डाइट्स, आई ट्राइड ऑल बिकॉज आई हैड नो गाइडेंस। मेरे को किसी की गाइडेंस ही नहीं थी, ठीक है। सो आई ट्राइड एवरीथिंग बट कुछ भी काम नहीं किया। मेरे को शायद 1 किलो भी लूज़ नहीं हुआ मेरा। बट द डे आई रियलाइज कि आई कैन डू दिस, आई स्टिल रिमेंबर मैंने जिम ज्वाइन किया, आई स्टार्टेड वर्किंग आउट रिलीजियसली, मैंने खुद का डाइट प्लान बनाया, उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। येस आई वुड से मेरे को बहुत ब्रेकडाउन्स मिले। बहुत बार ऐसा टाइम भी आया कि मेरा 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक कुछ भी लूज़ नहीं हुआ था। बट मैंने मोटिवेशन लूज़ नहीं की, आई जस्ट केप्ट ऑन डूइंग इट। सो इन 3 years आई लॉस्ट 45 kgs। मैंने 45 kgs भी लूज़ किया, मैंने अपना थायराइड भी रिवर्स किया। मेरी मेडिसिन 150 mcg से 0 हो गई। Now I don't take any thyroid medicines. My periods are regular. I have not faced any hair fall. So सब चीज़ें धीरे धीरे काम करने लग गई। Okay, and obviously a person is more happier. Yeah, because you are more confident. आपको पता है कि आप किसी के सामने जा रहे हो, so you can just look in their face and talk. But जब आपको body shaming झेलनी पड़ती है, तब ऑब्वियसली आपका इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है कि यू डोंट फील लाइक गोइंग आउट। ऑब्वियसली यू जस्ट फील लाइक कि नहीं, मैं घर में ही ठीक हूँ, लेट इट बी। आई गॉट इट। तो अभी ना मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, यू सेड कि वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। मैंने एक अभी न्यूज़ पढ़ी थी, एक जापान में एक वुमेन है, 2 बच्चों की माँ है, थी तो उसकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर इनटेक। तो हाउ, वॉट इज़ हेल्दी वाटर इनटेक देन? अगर किसी की ज़्यादा पानी पी के डेथ हो गई तो क्या करें फिर? नहीं, यू आर रॉन्ग। उसकी ज़्यादा पानी पीने से डेथ नहीं हुई, उसकी एक शॉर्ट टाइम में ज़्यादा पानी पीने से डेथ हुई। उसने आधे घंटे के अंदर 2 लीटर पानी पी लिया। सो योर किडनी कैन ओनली फ्लश आउट 0.8 लीटर ऑफ वाटर पर आवर, ठीक है। सो अगर आप एकदम से गल्प करते जाओगे पानी, सो योर किडनीज ऑल्सो नीड सम टाइम टू फ्लश आउट द वाटर। सो इसीलिए हुई। लेकिन देयर इज़ नो राइट इनटेक और रॉन्ग इनटेक ऑफ वाटर, आई वुड से। वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। आज मेरा वेट 55 kg है, मेरी एक्टिविटी लेवल अलग है, मुझे शायद 2.5 लीटर पानी की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका वेट 75 kg है, आपका एक्टिविटी लेवल अलग है, शायद आपको 3.5 लीटर की ज़रूरत है। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर नीड। एक ही चीज़ मैं आज भी बोलती हूँ कि जितनी ज़रूरत है उतना पानी पियो। आपको लगता है कि अभी आपको पानी कि 2 ग्लास पीने की ज़रूरत है, बिल्कुल पियो, लेकिन एक टारगेट को अचीव करने के लिए पानी मत पियो कि मेरे को मेरे डॉक्टर ने बोला है 5 लीटर पीना ही है तो पीना ही है, वेदर आई एम थर्स्टी और नॉट। ऐसा मत करो। ओके, अंडरस्टैंड योर बॉडी नीड्स एंड देन ड्रिंक अकॉर्डिंगली। ओके, आई गॉट इट। एंड ऑल्सो आपका कॉन्टेंट मैंने देखा है, आपने बर्स्ट किए मिथ्स ऑन ब्राउन ब्रेड वर्सेज वाइट ब्रेड। सो ब्राउन ब्रेड लेनी चाहिए, वाइट ब्रेड लेनी चाहिए, मल्टीग्रेन लेनी चाहिए, वाइट राइस लेने चाहिए, ब्राउन राइस लेने चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा एजुकेट करेंगे। ब्रेड फर्स्ट ऑफ ऑल लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो मार्केट में ब्रेड अभी अवेलेबल है, वेदर इट इज़ ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड, हर चीज़ में मैदा यूज़ होता है, बहुत सारा शुगर यूज़ किया जाता है, कलर यूज़ किया जाता है, प्लस बहुत सारा ऑयल यूज़ किया जाता है, विच इज़ कम्प्लीटली अनहेल्दी। आई ऑलवेज से ऑप्ट फॉर व्हीट प्रोटीन इंस्टेड, या फिर बेक योर ओन ब्रेड। अगर आपको ब्रेड बेक करना आता है, इफ़ यू हैव टाइम यू कैन बेक योर ओन ब्रेड, नहीं तो व्हीट रोटी। अच्छा, आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, क्या आपकी व्हीट रोटी कभी ब्राउन दिखती है? नहीं। तो ब्रेड क्यों ब्राउन दिखती है? इफ़ इट इज़ मेड आउट ऑफ व्हीट इट शुड नॉट लुक ब्राउन इन कलर ना, क्योंकि हमारे घर में जो व्हीट रोटी बनती है, चपाती बनती है, वो तो कभी ब्राउन कलर में होती नहीं है। Yes. सो उसमें कलरिंग एजेंट्स होते हैं, कैरमल कलर मिलाया जाता है, विच इज़ दी वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर्स नाउ अ डेज। बट अगर आप मुझसे ब्राउन राइस या वाइट राइस के बारे में पूछोगे तो आई विल ऑलवेज सपोर्ट वाइट राइस। क्यों? इट्स ईजिली डाइजेस्टेबल, ठीक है, आप उसको ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हो, आपके स्टमक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। मैंने अपने हर वीडियो में अपने ऑडियंस को एजुकेट किया है, जस्ट ऑप फॉर सिंपल थिंग्स जो आप खाते आए हो सालों से। हमारे दादा दादी नाना नानी यूज टू ईट वाइट राइस एंड उन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप उसको एक सही तरीके से खाओ तो वाइट राइस कैन बी अ गेम चेंजर इन योर वेट लॉस जर्नी। इट्स लो इन GI, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, दे आर ईजिली डाइजेस्टेबल, आपको उसको खा के ब्रूटिंग जैसा नहीं होता है। वेयर ब्राउन राइस आर लिटिल टफ टू डाइजेस्ट। ओके, आई गॉट इट। एंड इफ यू टॉक अबाउट हल्दी, टर्मरिक, कुरकुमिन, जिसको बहुत सारे नाम दिए हैं, बेसिकली हल्दी। हल्दी मेरे साथ ये हुआ है दैट मेरी लेफ्ट पैर के अंदर, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं गिर गया एंड आई वॉज समवन जो सप्लीमेंट्स नहीं लेता था आज से 4 साल पहले। तो जब भी कोई गिरता है तो यू नो पीपल विल गिव देम कि आप कोई पेन किलर ले लो। सो माई मॉम इज़ लाइक कि तू हल्दी का कैप्सूल ले ले। कुरकुमिन का कैप्सूल लिया, कुरकुमिन का कैप्सूल खाया। जस्ट सुबह व्हेन आई वोक अप, पर मेरे को इस चीज़ के बारे में रेजिस्टेंट रहना था घर पे कि नहीं मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने अपनी गलत लात पकड़ के नीचे आ रहा हूँ कि नहीं मेरे तो बहुत पेन है। ठीक है, तो मैं ये देखता हूँ कि हल्दी अगर न्यूट्रास्यूटिकल, अगर एक चीज़ जो अंडर RDA लिमिट्स है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो आपको 1 से 2 रातों के अंदर आपकी इन्फ्लेमेशंस को ज़ीरो कर सकते हैं। सो डू यू थिंक फार्मा, पैरासिटामॉल्स, एजी, एंटीबायोटिक्स, ये सब लेने चाहिए, या फिर पहले ही टू सपोर्ट योर इम्यून सिस्टम, टू बिल्ड योर इम्यूनिटी, आपको राइट चॉइस ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स लेने चाहिए? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जब हम बचपन में कभी भी गिरते थे, हमारी मम्मी हमेशा हमें हल्दी वाला दूध पिलाती थी। कभी भी दवाइयाँ पहले नहीं आती थी, पहले हल्दी वाला एक दूध का ग्लास आता था और वो आज भी ट्रेडिशन चालू है। सो कोई पैरासिटामॉल, कोई भी दवाई लेने से आई वुड ऑलवेज से कि पहले कुछ घर के इलाज जैसे होते हैं वो करो और गो फॉर न्यूट्रिस्टिकल्स। ओके, गो फॉर समथिंग विच इज़ नेचुरल। The paracetamol is all unnatural. It is all chemical-based medicines, and I never promote any medicine. So go for something. Go for such supplements that help you in natural way. Okay. So that is about. Okay, and if we talk about eye vision, अगर हम कहते हैं कि क्या कोई ऐसी diet की tips आप दोगे, which is better for eye vision, like आई साइट के लिए अगर किसी का नंबर लगा हुआ है, कुछ है, कोई ऐसी डाइट टिप जिससे वो अपनी आई साइट रिमिशन में डाल सकते हैं? जब किसी को नंबर होता है तो वी ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपनी डाइट में आमंड्स ऐड करो, दूध ऐड करो, कैरेट्स ऐड करो, लेकिन इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम कि आपका विजन धीरे 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 ठीक होगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप उसको नेचुरली करने जाओगे इट टेक्स अ गुड लॉन्ग टाइम। बट येस, आपको अपनी डाइट में आमंड्स ऐड करने चाहिए, वॉलनट्स ऐड करने चाहिए, कैरेट्स ऐड करनी चाहिए, ऑरेंजेस ऐड करनी चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, मिल्क, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, बट मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक डायरी, लाइक मेरे साथ पर्सनली जब से मैंने ग्लूटन और डायरी प्रोडक्ट्स छोड़े हैं, मेरे एनर्जी लेवल्स हाई रहे हैं, मेरे को कोई फीवर नहीं हुआ है, मेरे को कोई ब्लोटिंग इशूज़ नहीं है, और ऊपर से मेरा वेट लॉस हुआ है। तो ग्लूटेन और डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ देना इज समथिंग वी रेकमेंड। सो डू यू थिंक डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क वगैरह ये सब लेने चाहिए या ये सब नहीं लेने चाहिए? लेट्स से कि एक हो गया कि पॉकेट साइज़ के हिसाब से कि हाँ इंडियन फैमिलीज को लेना ही पड़ेगा, बट एक हो गया जेनरिक व्यू कि डेयरी प्रोडक्ट्स और ग्लूटेन कंज्यूम करना चाहिए एक ह्यूमन बॉडी को या नहीं? सी, मैं यही बोलूँगी कि अगर डेयरी प्रोडक्ट या ग्लूटेन लेने से आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है, एज सच लाइक ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस, ये सब नहीं हो रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली कंटिन्यू। बट इफ़ यू आर ग्लूटेन इंटॉलरेंट, अगर आपको ग्लूटेन खाने से कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपको डेयरी से भी दूध लेने से आपको ब्लोटिंग हो जा रही है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, देन आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि लीव डेयरी और लीव ग्लूटेन। बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर इंडिविजुअल नीड्स एंड आपकी प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जिसका पॉकेट साइज 3,000 2-3,000 है फॉर न्यूट्रास्यूटिकल्स के, उससे ऊपर वो नहीं खर्च सकता है, कोई ऐसे सप्लीमेंट्स जो आपके इंडियन फूड के अंदर मिसिंग है और वो उनको लेने चाहिए एंड इट इज़ मैंडेटरी टू हैव दैट, लाइक दैट इज़ अ बॉडीज नीड, तो आप कौन से ऐसे 3 सप्लीमेंट कहेंगे विद अ पॉकेट बजट? आई वुड रिकमेंड देम बायोटीन फर्स्ट ऑफ ऑल. Omega-3 is very important क्योंकि as I said majority of Indians are vegetarian, तो हमें omega-3 omega-6 नहीं मिलता है अपने खाने से. So I would recommend and multivitamins for the energy levels. क्योंकि आजकल की lifestyle ऐसी हो गई है कि बहुत ज़्यादा थकान रहती है हर किसी को, work pressure इतना ज़्यादा है, कोई एक्टिविटी करने का मन ही नहीं करता है. So these 3 supplements I always recommend my clients. Okay. To take for like generic. Yeah, generic. I got it. So I think that's all, Richa, for today. Thank you for sharing your thoughts with the audience, and I hope to see you soon. Definitely. Thank you.